हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेपी पावर शेयर के ऊपर, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी और एमसीएक्स शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जेपी पावर शेयर के ऊपर। जेपी पावर के शेयर में हम लोगों को 10% का एक शानदार तेजी फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। स्टॉक जो है मॉर्निंग सेशन में ऑलमोस्ट स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद से स्टॉक जो है साइडवेज ट्रेड किया। फाइनली अगर देखेंगे 1 PM के बाद स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिला और स्टॉक 10% के तेजी के साथ फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ। अगर हम लोग इस पूरे वीक की बात करेंगे तो स्टॉक ने पूरे वीक में तकरीबन 23.75% के अराउंड का गेन किया है और अपने वीक के हाई पे क्लोज दिया है। और लास्ट 1 month में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 17% के गेन के साथ 1 month के हाई पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सेम हम लोगों को सुजलॉन एनर्जी में देखने को मिला था और वहां से सुजलॉन एनर्जी आपको 175% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। जनवरी मंथ में सुजलॉन में हम लोगों को सेम लेवल पे ब्रेकआउट देखने को मिला था 12.5 के ऊपर। और अगेन आप देखेंगे तो जेपी पावर में सेम हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो क्लियरली स्टॉक जो है यहाँ पे 8 ईयर के बाद स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने 8 ईयर के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो इस स्टॉक में जो है ऊपर की साइड में 2025 की तरफ हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टॉक जो है 25 के लेवल को हिट करने के लिए जा सकता है। इस लेवल पे स्टॉक के लिए स्टॉक के पास नेक्स्ट रेसिस्टेंस है जहां पे कि स्टॉक जा सकता है। साथ ही साथ अगर मंथली बेसिस पे देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मंथली बेसिस पे अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है ब्रेकआउट, बट यहां पे जो है अभी अगर देखेंगे तो वीकली बेसिस पे स्टॉक जो है जरूर इस लेवल के ऊपर निकल के क्लोज दे दिया है। वीकली बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिला था। नीचे के लेवल से स्टॉक में एक अच्छा तेजी हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ और अब एक शानदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और स्टॉक 11 रुपीज 15 पैसे, जो कि स्टॉक प्रीवियस 8 ईयर से ब्रेक नहीं कर पा रहा था, उस लेवल के ऊपर स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट देके क्लोज दे दिया है। तो इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है अगर आपके पोर्टफोलियो में है और बहुत से रिटेलर्स के पोर्टफोलियो में है, क्योंकि एक पेनी स्टॉक है, कम दाम का स्टॉक है, तो जनरली यहाँ पे बहुत से लोग बाई करके रखते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये टाइम है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का। यहाँ पे आपको जल्दबाजी में एग्जिट नहीं करना है। स्टॉक में यहाँ से भी 100% का एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में आपको अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है नीचे की साइड में 8 रुपीज़ 30 पैसे के नीचे। 8 रुपीज़ 30 पैसे के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे जब तक स्टॉक यहाँ पे क्लोज नहीं देता है आपको एग्जिट नहीं करना है। ऊपर की साइड में 25-30 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी के शेयर में अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो है हम लोगों को डेली चार्ट पे एक अच्छा वापस से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक में एक अच्छा तेजी हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद अभी यहाँ पे जो है डेली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक को हम लोगों ने कवर किया था जब स्टॉक आपको 12 रुपीज़ 50 पैसे के लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर आपको ब्रेकआउट देके मंथली चार्ट में क्लोज हुआ था। वो 15 के लेवल पे मंथली चार्ट में क्लोज हुआ था, बट इसी लेवल के ऊपर जो है हम लोगों ने इस स्टॉक को कैच किया था और उसके बाद से अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो है लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक को हम लोगों ने पोस्ट किया था अपने ट्विटर हैंडल पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में जो है 10th of January को हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट पोस्ट किया था और यहाँ पे आपको बताया था 12 रुपीज़ 50 पैसे के ऊपर ब्रेकआउट का आपको वेट करना है। और उसके बाद देखिए क्या जबरदस्त तेजी आया है।
तो अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जो है जगह पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको और भी स्टॉक्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी के केस में हमको क्या करना है। अगर यहाँ पे बात करेंगे, आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, होल्ड करके रखिए, और अगर आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं, करंट लेवल पे फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। आपको अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है 30 रुपीज़ के नीचे, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रैली कर चुका है। यहाँ पे स्टॉक अगर रिट्रेस बैक होता है तो फिर एक अच्छा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। लगातार मंथली चार्ट में आपको ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है हम लोग बहुत ही टाइट एसएल के साथ काम करेंगे। अगर आप फ्रेश पोजीशन लेते हैं तो 4 रुपीज़ का आपका रिस्क रहेगा। ऊपर की साइड में 40-45 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के सेशन में स्टॉक 5% के तेजी के साथ क्लोज हुआ है। मॉर्निंग सेशन में स्लाइटली गैप अप और उसके बाद कंटिन्यूअस इस स्टॉक में हम लोगों को तेजी देखने को मिला। इस पूरे वीक की अगर बात करेंगे तो पूरे वीक में स्टॉक ने वन साइडेड मोमेंटम किया है। 14% का एक अच्छा तेजी देखने को मिला और लास्ट 6 मंथ में स्टॉक 85% का रिटर्न दे चुका है। तो इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात, अगर यहाँ पे बात करेंगे, आपके पास पोजीशन है, कंटिन्यूसली होल्ड करके रख सकते हैं। मोनोपोली है स्टॉक का, कमोडिटी के लिए ट्रेड होता है। जितने भी कमोडिटी ट्रेडर हैं मेनली उनका MCX पे ही काम होता है, तो एक मोनोपोली है इस कंपनी का अपने बिजनेस में। तो कंटिन्यूसली जो है आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं, इस स्टॉक में फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको SIP मोड के थ्रू जाना होगा। एग्रेसिवली अभी आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो ऑलरेडी एक अच्छा रैली हो चुका है। इस स्टॉक को भी हम लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था, उसके बाद से स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल चुका है। SIP मोड में आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अभी आप यहाँ पे एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बाय ऑन डिप करेंगे। नीचे की साइड में 2000 के नीचे का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।